राजा चकवेण के घर सेठानिया आई। अरे माता जी, हे राज माता, आप ऐसे खद्दर, हम रेशम पहनते हैं, हार सिंगार करते, तुमको कोई गहना गाठा नहीं। अल्लाह, अरे रे भई अल्लाह, और हद हुई तो दूसरी ने कहा, देखो मेरी नौकरानी, अरे सुरती इधर आ जा, वो मेरी सुरती नौकरानी भी आपके आगे महारानी दिखती। हाय रे माता जी, की होया तिन्नू, आप देख घर में ए खट्टे पुरानी, असाने तो ए नवारा दी खट्टे, ओ शीशम दे पलंग, और तेन तो ए बबुर दे लकड़े दी खट्टे। बोले खेत खली में बबूर होया तू, उसकी खट बनाई की फर्क पैदा है, नींद तो आंधी, लेकिन आप तो राजमाता हो। ऐसा करके चार मल्ले चोटे कुटे किसी के ओटे, ओ भाई बिचारी बातों में आ गई। रानी साहबा ने तो अपनी खाट उल्टी कर दी और जो तुझको छोटा मोटा गेंदा काटा था फेंक दिया और उठ के बैठ गई। राजा साहब ने कहा क्या हुआ? बोले क्या क्या हुआ रानी, रानी क्या रानी, मैं तो दासियों से भी गई बेटी। अब मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी से दुख पैदा होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी हीन भावना से दुख पैदा होता है। अरे जो विश्व का स्वामी है वो मेरे साथ है, वो कभी मेरा साथ छोड़ नहीं सकता, और ये चीजें सदा रह नहीं सकती, इतनी समझ हो तो दुख आ ही नहीं सकता, बेवकूफी से आ जाता है दुख। तो अगर ज्ञान के प्रकाश से देखो तो दुख टिक नहीं सकता। मेरा बाप मर गया, मैं तो अनाथ हो गया। अरे जगत का बाप तेरे साथ है बेवकूफ। मेरा पति मर गया, मैं तो अनाथ हो गया। अरे जगत का नाथ तेरे साथ है बेटी, काय को रोती है? बेवकूफी का दूसरा नाम है दुख। बिना बेवकूफी के दुख आ नहीं सकता, आ गया तो टिक नहीं सकता। नासमझी का नाम दुख होता है, समझदारी से दुख टिकता ही नहीं, वेदांतिक समझदारी। अगर कोई बोले मैं दुखी हूं तो ये मानना पड़ेगा उसको कि मैं ना समझूं। कोई बोले मैं दुखी हूं तो ये मानना पड़ेगा कि आप ना समझ हो। अरे आपका मैं तो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, उसके दोष में दुख की तो जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप जब असत शरीर को, दुख रूप शरीर को, नश्वर वस्तुओं को मैं और मेरा मानते हैं तभी दुख होता है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बड़ी दुखी हूं, सुबह 4 बजे आई, रो रही थी माई, माई का पति भी रो रहा था, बेटी भी मायूस और बेटा भी मायूस। सुबह 4 बजे मैं सैर करने को निकला तो हुआ था जोड़ी खड़के दो तीन परिवार, बापू जी नहीं मिलते तो चलो सुबह 4 बजे का, कितने बजे आए भगवान जाने, 4:30 को तो मैंने देखा, मैं तो घूम घाम के आया, फिर उन्होंने यूं कहा, तो उनका हाल सुना तो बेटी की शादी नहीं हो रही, दो परिवार वाले ये रो रहे थे। अब बेटी की शादी हो ये चिंता करने से हो जाएगी क्या? अब बेटी मेरी है, इसकी शादी, और ऐसा बोलने से बेटी भी मायूस की ये मेरे को निकालना चाहते और कुछ होता नहीं है तो बेटी भी परेशान। हाँ बेटी परेशान होने से बेटी की जो कुदरती हास्य, कुदरती स्वास्थ्य वो भी सुकड़ जाएगा, तो कोई छोरा आएगा तो वो देखेगा ये तो पसंद नहीं है, तो मुसीबत तो बढ़ा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं। मैंने उनके बेटे बेटियों को कहा कि माँ बाप को बोलो चिंता ना करें, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम इनके बेटे बेटी हो भले बाहर से, तुम मेरे बेटे बेटी हो, चिंता छोड़ो, इनको तो झांझ ला के दे दो, बजाया करें, ये भजन करने का समय। दोनों परिवार वालों के बच्चों को मैंने कह दिया कि इनको तो मंजीरा रखे दे दो, 50 साल की उम्र है, रिटायर होने की तैयारी है, मंजीरा बजाओ, जो कुछ है भगवान का है, बेटे भी भगवान के, बिट्टी भी भगवान की, शरीर भी भगवान का, दुनिया भी भगवान की, तेरा भाणा मीठा लागे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, ज्योति भावे बल्लीकार, हरे राम हरे कृष्ण। इतना लंबा तो वहां भाषण नहीं दिया था, अभी हम मिला रहा हूँ। मेरा बेटा मेरी बेटी, इसकी शादी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अरे मैं क्या, अगर 2-4 महीने जल्दी शादी हो जाएगी तो क्या मुसीबत मिट जाएगी? फिर जमाई मुसीबत लाएगा, ए नहीं है फ्रिज दे दो, ए मोटरसाइकिल लेके दे दो,
मारुति लेके दे दो, मुसीबत एक कंधे से हटी तो दूसरे कंधे पे रखना चाहते हो, मुसीबत मिट जाती है क्या? बेटी की शादी होने से, बेटों की शादी होने से अगर मुसीबत मिटी है तो सब जिनके बेटे बेटियों की शादी हो गई वो मुसीबत रहित हो जाए? काम का बिचारी बेटी को मुसीबत में डाल रही हो, बेटी की शादी हो जाए फिर बेटी भी आंसू ला रही कि माँ बाप मेरे, तो काय को परेशानी मोल लेते? अरे जन्म के पहले ही निहित होता है कितने श्वास तुम लोगे और कब मरोगे और कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, किससे शादी होगी, किससे विवाह होगा। मैंने उनको ये सुना दिया कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन बापू से यहाँ मुलाकात होगी, और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले नहीं था तो मिल गए ना, ऐसे ही बेटी को मिलने वाला होगा तब मिल जाएगा, बेटे को मिलने वाली होगी तब मिल जाएगी, आप परेशान क्यों होते हो? उनके बेटे बेटियों को कहा बेटे हमारे आश्रम में आ जाओ, वो बड़े हंसे, खुश हो गए, टेंशन रहित हो गए। और ये माँ बाप को वो दिला दो जहाज मंजीरे, अब भजन गाया करे, दोनों परिवार खुश होके चले गए। काहे को सुबह सुबह टेंशन लेना और टेंशन बढ़ाना? निश्चिंत हो गए तो मैं क्या, भगवान की कृपा काम करेगी? चिंतित करते होते हो तो फिर भगवान बोले सोचने दो अपना। काहू डोलत प्राणियां ते दराखे को सर्जन हार, जिन उपाय मेदनी कोई सोई करदा सार, सहस चाण पर लक हो तो एक न चले नाल। आप चाहे तो बेटी की शादी हो गई, आप चाहे तब बेटे की शादी हो जाए, आप चाहे तब शत्रु मर जाए, आप चाहे तब ऐसा हो जाए तो दुनिया में अंधेर हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न शोषित मार। तुम अस्त्र शस्त्र से कटते नहीं, आग से जल नहीं सकते, पानी में डूब नहीं सकते, हथियारों से मर नहीं सकते, तुम अमर आत्मा हो। अब मरने वाले शरीर को कितना भी संभालो तो मरेगा ही। जो मरने वाला शरीर है उसको मैं मानते हूँ, जो अपना अमर आत्मा है उसको जानते नहीं, और फिर परेशानी मिटाते, एक परेशानी मिटी तो दूसरी आती, एक सिर पे से बोझ हटा तो कंधे पे आया, कंधे से बोझ हटा तो दूसरे कंधे पे आया, चलो लकड़ी बेच दी पैसे मिल गए, हाश दुख मिटा, काहे का दुख मिटा, सीधा सामान लाए रोटी खाए, हाश आराम मिला, लेकिन वो पेट भरा, वो खाली करने के लिए गए, हाश खाली हुआ, बोले आराम मिला, लेकिन फिर लकड़ी करो, क्या जख मारा तुमने? भाव में ही भाव भी तो रहे, निर्भव के तरफ आओ बेटे, पढ़े बोले हाश ग्रेजुएट हो गए, अरे नौकरी करो, ग्रेजुएट हो गए नौकरी मिल गई, हाश नौकरी मिल, फिर बदली का टेंशन, बदली हो गई अच्छी हो गई, हाश बेटा नहीं हो रहा है टेंशन, बेटा हुआ पढ़ता नहीं हाई टेंशन, पढ़ा पास नहीं होता है तो हाई टेंशन, पास हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती तो हाई टेंशन, और शादी हो गई सब होया, फिर बोले गोड्डे दर्द करते, ए मुसीबत ही तो है और की है। जब शरीर को मैं और संसार को मेरा मानोगे तो कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, सच्चे वेखी पाए चढ़ दे, झूठे मोह जुड़ा दे तो देख ले, झूठे की मोह जुड़ा दे, डर डर के जिंदे अकाल मर देसी, आत्महत्या कर देसी, नहीं कर देसी, मैं तो नहीं करूंगा आत्महत्या, मैं तो डर डर के नहीं भागता हूं। और भी कई ऐसे हैं जो सच्चाई के बल से, तो चक्रवेण की पत्नी को ऐसा भ्रमित किया कि आखिर चक्रवेण को कहना पड़ा मंत्री अब ये गहने गांठे हीरे जवाहरात पहनना चाहती, प्रजा के पैसे तो मैं बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, लेकिन बल का सदुपयोग है कि जो बली है उससे हम बलपूर्वक ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे राज्य में धनवान है वो तो मेरे से बली नहीं है, तो अब क्या करें? तो मंत्रियों ने बताया कि अपना चक्रवेण राज्य तो छोटा है, रावण बली है और बड़ा राज्य है। बोले ठीक बात है, जाओ रावण के पास और रावण को बोलो महाराजा अधिराज की आज्ञा है कि 2 मण सोना दे दो कर के रूप में, टैक्स के रूप में, क्योंकि तुम यहां से उड़ान भरते हो रॉयल्टी। तो चक्रवेण का जब मंत्री गया और रावण को ये बात सुनाई तो रावण हंसने लगा, हा, 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 हा। करो तो तुम, हा, 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 हा।
दैत्य दानव हास ऐसे ही होता है। ये दैत्य दानव हास्य है। दैत्य लोग दानव लोग ऐसे ही हंसते हैं। ये पाश्चात्य जगत में घूमकर आया और लाफिंग क्लबों के द्वारा हिंदुस्तान में प्रचार हो रहा है, लेकिन हु 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 हा 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 वाले अगर नए टांके हैं तो हु हु हा हा हो जाएंगे। कोई गर्भवती और लाफिंग क्लब में गई तो गर्भ हु हा हो जाएगा। कोई हार्ट कमजोर है तो हु हु हा हा में हार्ट हु हु हा हा हो जाता सही। इसलिए तो आप हरि ओम 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 राम 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 आनंद देवा हरि ओम 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 शक्ति देवा हरि ओम 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 हिम्मत देवा हरि ओम 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 परोपकार देवा हरि ओम 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 बल का सदुपयोग करने वाली बुद्धि देने वाले देव हरि ओम 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 निर्दुखता देने वाले हरि ओम 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 सुख शांति देने वाले हरि ओम 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 आनंद उभारने वाले हरि ओम 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 मेरे अनुपजे सदा हजरा हजूर रहने वाले रब परमात्मा झूलेलाल हे माजा विठल हे माजा पांडुरंगा हे आनंद देवा मजी मौली हरि ओम 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 हे मुझा साई ओ मेरे रब हरि ओम 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 माय गॉड हरि ओम 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 ये देव मानव हास्य करो। लेकिन रावण को उस समय ब्रह्मज्ञान का कथा तो नहीं मिली थी। रावण ने जो किया ठीक है, हमारा ऐतराज नहीं है, लेकिन चक्रवेण के मंत्री की खिल्ली उड़ाई कि अभी भी धरती पर चक्रवेण जैसे पागल राजाओं का राज्य चल रहा है। मैं लंकापति रावण, मेरा इतना बल ओज और इतना नन्ना सा राज्य चक्रवेण का, और वो मेरे पर टैक्स डाले। हा 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 हो, लेकिन दिल खिले नहीं, खाली होठ मजाक उड़ाना, दूसरे को नीचा दिखाने का वाला हास्य, दैत्य दानव हास्य दूसरे को डराने और नीचा दिखाने में होता है। देव मानव हास्य दूसरे को ऊंचा उठाना और अपने को भी भगवतमय करने वाला होता है। तो मैं तो वो हास्य सिखाता हूं सभी को, भगवान का नाम लेकर हास्य। ठीक, अब मारे चक्रवेण राजा को कह दो कि युद्ध की तैयारी करे, अगर मुझसे टैक्स लेना है तो तैयार हो जाओ। बोले महाराज आप गलती ना करें। बोले ए मंत्री, छोटा मुंह बड़ी बात। बोले महाराज अब मैं समुद्र तट पे जाता हूं और सुबह फिर आपको मैं बुलाने आऊंगा अथवा आप पधारिएगा, फिर आप निर्णय करिएगा चक्रवेण से आप युद्ध करेंगे कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। राजा चक्रवेण से आप युद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फिर निर्णय करना, एक रात की तो बात है। अच्छा महाराज। रावण देखता ही रह गया क्योंकि मंत्री के जवान में कुछ तासीर था, तासीरदार गुरु का चेला, तासीरदार राजा का मंत्री, तासीर छोड़ता है अपनी। सुबह हुआ, चक्रवेण का मंत्री बुलाने आया कि महाराज मैंने लंका का नक्शा सा बनाया है, मॉडल बनाया है, आप जरा देखने का कष्ट कीजिए महाराज, फिर आप निर्णय करें। बोले चलो देखते हैं। तो देखो ये आपका प्रकोटा है, ये आपका मुख्य द्वार है, वो उसने मिट्टी के घरोंदे जैसे बना दिया और कोई ऐसी पीली वनस्पति रगड़ के डाल दिया। बोले ये सोना की सोने की लंका का मॉडल मात्र है महाराज। अब देखो मैं राजा चक्रवेण का चिंतन करता हूँ और राजा चक्रवेण की दुहाई से लंकेश का ये बड़ा भव्य जो दूर तक दिख रहा है महाराज, ये आपका द्वार, उसका ये है मॉडल, मैं इसको यहाँ हिलाता हूँ, आप चाहो तो गिरा दूँ, इसको गिराऊंगा तो वो गिर जाएगा। बोले महाराज हाथ कंगन को आरसी क्या, लंकेश देखिए जरा, सत्य का बल, ब्रह्म ज्ञान का बल, योग का बल, पर दुख कातरता का बल,
अपने बल का उपयोग दूसरों के दुख मिटाने में करते, उनके बल का जरा परिचय दिखे महाराज। राजा चक्रवेण की दुहाई से ये लंकादेश का द्वार, मैं हिलाता हूं तो हिले और गिराता हूं तो गिरो, हिलाया। वो देख रहा, फिर इधर देख रहा है मॉडल, फिर वो देख रहा है। हे मंत्री, रुक जा रुक जा रुक जा, मत कर, दो मन सोना ले जा, चक्रवेण को मेरा प्रणाम कह देना, हम तो मित्र हैं। दो मन सोना लेकर, मैं ये शास्त्रीय कथा सुना रहा हूं, अनाप शनाप काल्पनिक बात मैं नहीं करता, प्रमाणित बात सुना रहा हूं। वो दो मन सोना लेके आया, रानी साहिबा ने देखा कि इतना बड़ा भयंकर लंकेश और मेरे पति के नाम की दुहाई से दो मन सोना कर के रूप में, टैक्स के रूप में दे। राजा ने जानबूझकर पूछा कि कैसे, वो तो मानने वाला तो नहीं था। उसने सारी बात सुना दी, पत्नी को सत्संग की दो बातें, अपना बल बुद्धि योग्यता दूसरों के दुख मिटाकर, आपको सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका परम सुख स्वरूप है, जो जाने सत्संग प्रभाव लोक नवेदन आन उपाव, जो सत्य के संग का प्रभाव है लोकों में और वैदिक कर्मों में भी वो नहीं। ये बात जब सुनी तो पति के चरण पकड़ के माफी मांगती कि देव, मुझे ये बाहर का सोना गहना गांठा हीरा नहीं चाहिए, मुझे तो आप हीरों के हीरे गहनों के गहने पति रूप में मिले हैं, मैं भागशाली हूं, न जाने मेरी कैसी विलासी माइयों से बातचीत हुई और मेरी बुद्धि बिगड़ी महाराज, अब मैं आपकी बुद्धि की शरणार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। दो मन सोना फिर वापस ले गए और राजा साहब की पत्नी को विलासी माइयों के कुसंग से कुविचार उत्पन्न हुए, सत्संग मिलने से सुविचार आए, अब वो बाहर के गहने गांठों से सुखी होने की बेवकूफी नहीं कर रही है, अंतर आत्मा के हीरे से वो प्रसन्न हो गई, इसलिए राजन दो मन सोना आप वापस ले लीजिए। लंकेश देखता ही रह गया, क्या दो गई, ऐसे पुरुषों के कारण ही पृथ्वी चल रही है, हम लोग तो क्या करें।